हाय गाइस एंड वेलकम टू दो बेची की गाड़ी। क्या आप जानते हैं महिंद्रा XUV 700 23 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। मतलब कि टोटल कंफ्यूजन कि आपको कौन सा वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा वेरिएंट महंगा है, तो वीडियो में आपको बताने वाला हूं और साथ में दिखाने भी वाला हूं कि आपको XUV 700 के हर एक वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस आउट ना करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमने वेरिएंट कंसीडर किया है वो इसका बेस वेरिएंट MX। ये आपको केवल मैनुअल 5 सीटर में मिलता है। यहाँ पे आपको 7 सीटर या ऑटोमेटिक प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जो पेट्रोल इंजन है वो आपको 200 PS का मिलता है और 380 Nm, यानी कि सेम जो आपको पूरे लाइनअप में मिलता है। लेकिन डीजल इंजन आपको यहाँ पे कम पावर में मिलता है, 155 PS और 360 Nm के साथ, जबकि आपको ऊपर के वेरिएंट में 185 और 420 मिलता है, यानी कि 185 PS और 420 Nm। तब देखते हैं कि MX वेरिएंट की प्राइसिंग क्या है। तो MX वेरिएंट आपको 12,95,000 एक्स शोरूम टर्बो पेट्रोल या पेट्रोल और 13,47,000 डीजल, यानी कि ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज का डिफरेंस पड़ता है पेट्रोल और डीजल इंजन में। अगर हम इसमें फीचर की बात करते हैं, सेफ्टी से शुरू करें तो ड्यूअल एयरबैग, ABS विथ EBD, आइसोफिक्स, स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक, फॉलो मी होम हेडलैम्प, मतलब कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से मोर ऑर लेस वही फीचर आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में हाँ यहाँ पे आपको डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं। 8 इंच का टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है। ये आपको फुल साइज वाला नहीं मिलेगा, आपको लुक भी देगा कि हाँ ये लोअर वेरिएंट है, पर डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक टच स्क्रीन जरूर प्रोवाइड किया जाता है। साथ में 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, स्मार्ट डोर हैंडल्स मिलते हैं, AC विथ हीटर, टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग, सेंटर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर ऑल, 4 स्पीकर, LED टेल लैम्प, मतलब कि आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। क्या क्या चीज़ें मिस आउट करते हैं तो देखिए, इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प से मिलेंगे, LED DRLD मिलेगा, वो जो एक प्रॉपर 2 टच स्क्रीन वाला जो सिस्टम दिखता है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। थर्ड रो में आपको AC नहीं मिलेगा, मतलब काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें जो आप इस वेरिएंट में मिस आउट भी करते हैं। तो ये वेरिएंट मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ जिनका बजट बिल्कुल ही कम है, ये इसके ऊपर जा ही नहीं सकते और उन्हें एक पावरफुल फन टू ड्राइव SUV चाहिए, स्पेशली पेट्रोल में, तो उनके लिए MX वेरिएंट ठीक है। और उनको अगर फीचर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हम बेस वेरिएंट लेके इसमें बाहर से फीचर डलवाएं तो मैं इसके लिए आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी और फीचर एक अच्छी प्रोडक्ट है, उसमें आप आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाएं तो बेहतर रहेगा, साथ में आपकी वारंटी भी चली जाएगी। और अगर इस तरह की इस प्राइस पॉइंट पर कोई गाड़ी का पार्ट खराब होता है तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है बिना वारंटी के। तो डेफिनेटली MX वेरिएंट उसी सिचुएशन में जब आप इतने ही फीचर्स चाहिए, आप इसमें आफ्टर मार्केट कोई काम नहीं कराना चाहते, तो आप MX वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं, वरना इसके ऊपर के वेरिएंट की तरफ जरूर शिफ्ट होना चाहिए। इसके ऊपर आता है AX3 वेरिएंट। तो देखिए इसकी प्राइसिंग चालू होती है 15,02,000 मैनुअल 5 सीटर और डीजल 5 सीटर मैनुअल में आपको 15,53,000, मतलब मोर ऑर लेस 2 लाख रुपीज़ का इंक्रीज आपको मिलता है AX3 में MX के ऊपर। इसी में आपको लेकिन ऑटोमेटिक भी पहले मिल जाता है 5 सीटर के साथ और मैनुअल 7 सीटर डीजल में आपको मिलती है, ऑटोमेटिक 7 सीटर इस वेरिएंट में भी नहीं मिलता। इसमें काफ़ी सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं जो आपको फर्स्ट टाइम मिले, जैसे ऑटोमेटिक आपको पहली बार मिलेगा। तो अगर आपका बजट लिमिटेड है और आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो AX3 आपके लिए यहाँ पे काम कर देता है। साथ में आपको मैनुअल में 7 सीटर भी मिल जाता है, मतलब 7 सीटर भी अगर आपको चाहिए तो वो आपको इस वेरिएंट से मिलता है। इसमें आपको MX के तो सारे फीचर मिलते हैं, उसके ऊपर क्या क्या मिलता है, आपको यहाँ पे पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट्स मिलते हैं, फॉग लैम्प, LED DRL, मतलब आपके बाहर के लुक को कंप्लीट कर देता है। साथ में आपको इसी वेरिएंट में व्हील कवर से मिल जाते हैं, 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब इंटीरियर में भी जो डिफरेंस है वो पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाता है। अमेजॉन एलेक्सा बिल्ट इन मिलती है, थर्ड रो में आपको AC मिलता है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, सेकेंड रो में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, थर्ड रो 50-50 स्प्लिट मिल जाता है, 6 स्पीकर, LED टेल लैम्प, मतलब आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी गाड़ी के हिसाब से वो आपका AX3 वेरिएंट कंप्लीट कर देता है। AX3 थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे जरूर चला जाता है, लेकिन ये वो वेरिएंट है जहाँ से आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है। इसमें आपको आफ्टर मार्केट कराने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, मतलब मोर ऑर लेस आपके सारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी जाती है। आपको ऑटोमेटिक चाहिए वो मिल जाता है, आपको 7 सीटर चाहिए डीजल में तो वो भी आपको मिल जाता है। तो AX3 वेरिएंट मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस जरूर है,
पर हाँ, जो सिचुएशन है कि MX आप बहुत चीज़ें मिस आउट करते, तो ये वो वेरिएंट है जहाँ से आप XUV700 को खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं AX5 वेरिएंट की तरफ। तो देखिए, AX5 में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये का इंक्रीज होता है AX3 के ऊपर। यहाँ पे आपको मैनुअल 5 सीटर 16,05,000 और डीजल आपको 16,67,000 का मिलता है। ऑटोमेटिक 5 सीटर आपको यहाँ पे मिलता है, आपको यहाँ पे मैनुअल 7 सीटर पेट्रोल और डीजल दोनों मिलता है। अभी तक आपको AX3 में केवल डीजल में 7 सीटर मिलता था, पेट्रोल में भी आपको यहाँ पे 7 सीटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में आपको ऑटोमेटिक 7 सीटर मिलता है डीजल में, पेट्रोल में नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग 16 लाख से शुरू होकर 19 लाख 100 रुपये तक चली जाती है AX5 में। तो आपको कितने सारे यहाँ पे वेरिएंट्स मिलते हैं AX5 के। अगर हम फीचर की बात करें, 1 लाख इंक्रीज हुआ है, जिसकी हिसाब से आपको LED हेडलैम्प विथ ऑटो बूस्टर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, कर्टेन एयरबैग, कॉर्नरिंग लैम्प, साथ ही में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, स्काई रूफ, ड्राइव मोड्स, LED टर्न इंडिकेटर, मतलब आपको काफ़ी सारी चीज़ें 1 लाख के इंक्रीज में मिलती है। तो मेरे हिसाब से AX5 एक बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे आप देखते तो आपको मोर और लेस बहुत ज़्यादा एडिशनल चीज़ें नहीं मिलती। एक अच्छी चीज़ आपको मिलती है कि आपको ESP मिलता है और LED कर्टेन एयरबैग्स मिलते हैं, साथ में अलॉय व्हील और सनरूफ। मेन तो अगर हम देखें तो ये 4 फीचर यहाँ पे सबसे बड़े सामने आते हैं। तो AX5 डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और अगर आप यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी पिक बन जाता है। इसके बाद हम चलते हैं AX7 की तरफ। तो ये सेकेंड से एक लोअर वेरिएंट, मतलब टॉप से एक लोअर वेरिएंट है। यहाँ पे आपको 5 सीटर अब इसके ऊपर नहीं मिलता है। AX5 आखिरी वेरिएंट है जहाँ पे आपको 5 सीटर मिलता है, इसके ऊपर आपको केवल 7 सीटर ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें तो मैनुअल 7 सीटर आपको पेट्रोल में मिलता है 18,63,000 और डीजल में 19,25,000। ऑटोमेटिक 7 सीटर मिलता है, और ये वो वेरिएंट है वहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव भी प्रोवाइड किया जाता है, ऑटोमेटिक 7 सीटर ऑल व्हील ड्राइव डीजल इंजन के साथ, जो आपके लिए 22,24,000 एक शोरूम चला जाता है। इसके अगर हम फीचर की बात करते हैं, हाँ, इसमें अगर हम प्राइस इंक्रीज की बात करते हैं तो ये आपके लिए 2.5 लाख का इंक्रीज होता है AX5 के ऊपर। इस 2.5 लाख के लिए आपको क्या क्या मिलता है? सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको यहाँ पे ADAS फीचर्स मिलने लगते हैं, साइड एयरबैग्स आ जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, रिवर्स कैमरा। हाँ, ये काफ़ी बड़ा मिसआउट में कंसीडर करता, क्योंकि लोअर वेरिएंट्स में आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है। साथ में ESP आपको मिलता है, ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट मिलता है। साथ ही में कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की अगर हम बात करते हैं तो आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है, 18 इंच अलॉय व्हील्स, लेदरेट सीट, लेदरेट स्टीयरिंग एंड गियर, 6-way पावर सीट विथ मेमोरी फंक्शन, वेलकम रिट्रैक्ट, ऑटो हेडलैम्प, रेंज सेंसिंग वाइपर, स्मार्ट क्लीन जोन, पावर फोल्डेबल ORVM, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल। मतलब अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो आपको यहाँ पे सेफ्टी फीचर डेफिनेटली काफ़ी सारे इंप्रूव होते हैं, वहीं पे बाकी जो चीज़ें वो ज़्यादातर गुड टू हैव फीचर्स हैं। हाँ, अगर हम क्रूज कंट्रोल को कहें तो वो एक अच्छा फीचर हम कंसिडर कर सकते हैं, या रिवर्स कैमरा है, ADAS, ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स। बाकी जितने भी फीचर हैं वो आपके लिए गुड टू हैव फीचर्स हैं। तो क्या ये गुड टू हैव फीचर्स ऑलमोस्ट 2.5 लाख को जस्टिफाई करते हैं? कुछ हद तक हाँ, क्योंकि आपको ADAS यहाँ पे मिल जाता है, आपको यहाँ पे लेदर सीट्स मिलते हैं, अलॉय व्हील्स का साइज बढ़ जाता है, क्रूज कंट्रोल, तो ये डेफिनेटली जस्टिफाई तो कर देता है अपनी प्राइसिंग को, जो 2.5 लाख है। थोड़ी सी महंगी है पर तब भी ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये फीचर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है या फिर आप इसके बिना काम चला सकते तो आपके लिए AX5 एक काफ़ी अच्छा वेरिएंट बन के रह जाता है। हाँ, अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहते हैं और टॉप ऑफ द लाइन नहीं जाना जा सकते तो आप AX7 को कंसिडर कर सकते हैं, वरना AX5 आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद हम आते हैं टॉप वेरिएंट, यानी कि AX7 विथ लग्जरी पैक। तो देखिए, यहाँ पे आपको टर्बो पेट्रोल में केवल एक वेरिएंट मिलता है, ऑटोमेटिक 7 सीटर, डीजल में आपको मैनुअल 7 सीटर, ऑटोमेटिक 7 सीटर और ऑटोमेटिक 7 सीटर विथ ऑल व्हील ड्राइव भी मिल जाता है। इसमें भी आपको पिछले वेरिएंट से अगर हम कंपेयर कर दें तो ऑलमोस्ट आपको 1.7-1.8 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है पिछले वेरिएंट के कंपैरिजन में। तो ये आपको 1.8 लाख के अराउंड स्पेंड करने पे क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है? आपको यहाँ पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, कंटिन्यूस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, नी एयरबैग, 360 सराउंड व्यू, 12 स्पीकर्स, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड स्टॉप एंड गो, वैनिटी मिरर, इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल और वायरलेस चार्जिंग। तो देखिए, ये वेरिएंट आपको तभी कंसिडर करना चाहिए जब आपको ADAS आप रियली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस वेरिएंट का या AX7 का भी लग्जरी पैक दोनों में जो सबसे मेजर एडिशन में कंसिडर करता वो है कि आपको यहाँ पे
ए डैश मिल जाता है। और ए डैश एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है, इंडिया में अभी नया नया है पर फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आज के टाइम में ABS है, EBD है, जिस तरह से काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुका है वैसी ए डैश भी फ्यूचर में नॉर्मलाइज हो जाने वाला है। तो अगर आप एक अच्छी सेफ गाड़ी लेना चाहते हैं, आपके पास बजट है, तो आप AX7 विथ लग्जरी पैक डेफिनेटली जा सकते हैं। AX7 के ऊपर आप ये अपग्रेड अगर कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आपको ए डैश के यहाँ पे सारे फीचर मिलते हैं। वहाँ पे कई फीचर्स को आप मिस आउट कर जाते हैं, जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेकिन वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये तो था महिंद्रा XUV700 के हर एक वेरिएंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कि आपको कौन सी गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। तो देखिए MX वेरिएंट मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें आप आफ्टर मार्केट चीज़ करा सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा अगर आपके पास बिल्कुल ही बजट कंस्ट्रेंट है और आप आफ्टर मार्केट काम नहीं कराते हैं, तो उस सिचुएशन आप MX1 कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप AX3 से काफ़ी अच्छा ऑप्शन शुरू होता है, AX थोड़ा सा एक्सपेंसिव चला जाता है, पर फिर भी आपके अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो वहाँ पे आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। AX5 को मैं सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मानता हूँ। अगर आपको ए डैश फीचर्स नहीं चाहिए तो AX5 क्लियरली सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरियंट बन जाता है महिंद्रा XUV700 के टोटल लाइनअप में। उसके बाद हम आते हैं AX7, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी चला जाता है, बहुत ज़्यादा आपको फीचर एड्स नहीं होते हैं AX5 के ऊपर, तो आप AX7 को थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आते हैं AX7 विथ लग्जरी पैक, डेफिनेटली बाई करना चाहिए, सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, सारी सेफ्टी मिलती है, ए डैश काफ़ी अच्छा मिलता है, इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो आपके टक्शन के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेजिंग हम कंसीडर कर सकते हैं AX7 विथ लग्जरी पैक को, और साथ में इस वेरियंट में आपको ऑल व्हील ड्राइव भी मिल जाता है। आपको इन सभी वेरियंट्स में से कौन सा वेरियंट सबसे ज़्यादा पसंद आया वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।